तकरीब में जाना है, इसलिए ये अमर माने हो रहा है
इन उलमा का तशरीफ होने ही हमारे लिए बड़ी बरकत का बायस है। यूं तो ज्ञानी शरीफ की महफिल होती रहती है जिसमें सैयदना हज़रत मुसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के औसाफ मनाकिब उनके फ़ज़ाइल उनकी करामात बयान होती हैं और आखिर में दुरूद सलाम और फिर लंगर की तकसीम होता है। ग्यारहवीं शरीफ की कोई ऐसी महफिल भी अगर हो वो भी बायस बरकत है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह के बज़ुर्ग अज़्म हज़रत मौलाना महमूद साहब तशरीफ लाए उनको भी खुशामदीद कहते हैं। ग्यारहवीं शरीफ की कोई महफिल जिस उनवान से भी हो, ऐनुल्लाह का जिक्र जिस अंदाज से भी हो, वो फैज से खाली नहीं होता। लेकिन आज की इस महफिल में जो चीज़ें इकट्ठी हुई हैं उसमें इसकी बरकत और इसके मकासद में और हुसन ज्यादा हो गया। वो क्या चीज है? एक वो हज़रत गौसे पाक की ग्यारहवीं शरीफ और दूसरा उलमा के सर पर दस्तार फजीलत का रखना। ये बज़ाहिर तो अलग चीजें हैं लेकिन दरअसल ये एक ही चीज है, बल्कि गौसे पाक का मिशन यही है। असल गौसे पाक का मिशन ये इनके अशआर है। अगर गौसे पाक ने जिंदगी के निसफ सदी में उलमा ही तैयार किए हैं। जामिया निज़ामिया बगदाद जिसका बाकायदा क़याम 528 हिजरी में हुआ, हज़रत सैयदना गौसे पाक ने इससे पहले तदरीस शुरू कर दी थी। फिर आपने जामिया निज़ामिया में पढ़ाया तो निसफ सदी तक आप मुसलसल कुरान हदीस की तालीम का नूर बिखेरते रहे। इसलिए ग्यारहवीं शरीफ की ऐसी महफिल जिसमें दस्तार फजीलत हो, इसमें गौसे पाक की मजीद वजूहत हासिल हो जाती है। अल इमाम ने इस मामले पर यह भी गुजारिश करना चाहता हूं इकमाद के हवाले से, बिलखसूस अल्लाह का हम पर बड़ा एहसान है। हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका आप यौम मिलाद बड़े इत्माम के साथ मनाते हैं, इत्माम का नुक्ता नजर ये है, इत्माम ने अपने एक खत में जो उन्होंने चौधरी नियाजुद्दीन के नाम लिखा उसमें इत्माम लिखते हैं, कहते हैं मेरा अकीदा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी जिंदा है। इकबाल क्या लिखते हैं? मेरा अकीदा है कि रसूलुल्लाह आज भी जिंदा है और अपनी उम्मत को वैसे ही फैज पहुंचा है जिस तरह से हवा को फैज पहुंचा है। अलबत्ता आज किसी को फैज मिलता है वो सहाबी नहीं करार पाएगा, लेकिन वो कहते हैं रसूलुल्लाह आज भी वैसे ही फैज पहुंचा रहे हैं। इसलिए आला हज़रत ने कहा ना, तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुटका लेगा। तो यही बात इकबाल का मकसद ये है कि रसूलुल्लाह का फैज आज भी जारी और सारी है। दूसरी बात इकबाल ये फरमाते हैं कि ये जो कुरान है कुरान भी जिंदा है, ये कुरान भी जिंदा है। इस किताबुल्लाह के हरूफ खास सियाही जो भी इस्तेमाल हो, वर्क जो भी इस्तेमाल हो, वो पेंटिंग प्रेस जो भी इस्तेमाल हो, लेकिन वो कहते हैं कि ये कुरान एक जिंदा किताब है। सवाल कहते हैं आ किताब जिंदा कुरान हकीम हिकमत हु ला यज़ाल अस्तु कदीम, हमारे कभी जिंदा और यहाँ ये किताब जिंदा किताब है और ये किताब इंसानों के साथ ऐसी मोहब्बत करती है जैसे कोई जिंदा इंसान भी नहीं करता। इसका फैज इंसानों को ऐसे मिलता है जिस तरह किसी जिंदा इंसान का फैज भी नहीं मिलता। ये दूसरी खूबी है इस किताब में। और तीसरी बात इकबाल की ख्वाहिश रही है, आज जो लोग दीन से वाबस्ता हो रहे हैं
آج جن علماء کی دستار حضرت ہوگی یا ان کے علاوہ جو حفاظ اور رائے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اپنے آپ کو کسی طرح سے کم تر نہ سمجھ. اقبال نے اپنی بہن کریم بی بی کے لیے جو خط لکھا اس میں اقبال لکھتے ہیں، میں اپنی زندگی پر جب نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی عمر مغرب کا فلسفہ پڑھنے میں گنوا دی. اقبال لکھتے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی عمر مغرب کا فلسفہ پڑھنے میں گنوا دی. اللہ نے مجھے اچھے قوائے عقلیہ عطا فرمائے تھے، یعنی میری قوت، میری ذہانت، میرا علم بڑا اچھا تھا. اللہ نے مجھے استطاعت بڑی اچھی عطا فرمائی تھی، اور میرے والد کرامی مجھے علم دین پڑھانا چاہتے تھے، لیکن وہی ہوا جو اللہ کو منظور تھا. بہرحال مجھ سے جو ہوا میں نے کیا، لیکن میری یہ خواہش تھی کہ میں اس سے زیادہ کروں. اور زندگی با تمام با تمام رسول اللہ کی خدمت میں بسر کروں. اب رسول اللہ کی محبت کی بات تو آپ کرتے ہیں، پر رسول اللہ کی خدمت کیا ہوئی؟ اقبال کہتے ہیں جو دین کی خدمت کر رہا ہے وہ رسول اللہ کی ہی خدمت کر رہا ہے. سبحان اللہ. اقبال کی خواہش یہ تھی کہ میں عالم دین بنتا تو میں رسول اللہ کی خدمت کرتا. رسول اللہ کے دین کی خدمت یہ دراصل رسول اللہ کی ہی خدمت ہے. اس لیے جن علماء کو، حفاظ کو، قراء کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہے وہ رسول اللہ کی خدمت کر رہے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور جو لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں، مدارس کی، مساجد کی، حفاظ کی، قراء کی، سادات کرام کی، جو دین کی خدمت میں مصروف ہیں، یہ بھی دراصل رسول اللہ کی ہی خدمت ہو رہی ہے. آج اگر ہمیں موقع ملے کہ رسول اللہ کبھی ہمیں زیادہ نصیب ہو، ہم رسول اللہ کی خدمت کر سکیں، تو ہم میں سے ہر آدمی دیدہ و دل فرشے نہ کرے گا کہ مجھے ملے رسول اللہ، میرے جو غریب خانے میں تشریف لائے، رسول اللہ مجھے موقع دے، میں خدمت کروں، میں ہدیہ پیش کروں، میں کوئی دیدہ و دل فرشے نہ کروں. اور ہر وہ شخص جو رسول اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے علم شریعت حاصل کر کے، یا جو علم شریعت کے حصول میں مساجد اور مدارس کی خدمت کر رہا ہے، وہ سمجھے میں رسول اللہ کی ہی خدمت کر رہا ہوں. اس کی یہ خدمت کبھی رائگاں اور ضائع نہیں ہوگی. فضل و سے پاک کا جو مشن تھا وہ دراصل قرآن و سنت کی تعلیم کو ہی عام کرنا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من خرج فی طلب العلم ومن صدق طریقہ یطلب فی علما صدق اللہ بہ طریق من طرق الجنہ. فرمایا کہ طالب علم جو گھر سے علم کے حصول کے لیے مسجد اور مدرسے کا رخ کرتا ہے، وہ ادھر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے راہیں سب کھول دیتا ہے. اور صرف یہی نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اس کی راہ میں فرشتے پر بچاتے ہیں، اس کی راہ میں فرشتے اپنے پر بچاتے ہیں. اور غوث اعظم کی جو کرامات ہیں اس میں تو احادیث کی تصدیق ہوتی ہے، ان کے کشف اور کرامات سے احادیث کی تائید ہوتی ہے کہ رسول اللہ نے جو بات فرمائی وہ حضرت غوث پاک نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کی. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں 10 سال کی عمر پر جب پہنچا، تو جب میں نے گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے مدرسے کا رخ کیا، فَعَرَضَ الْمَلَائِكَةَ تَمْشِي حَوْلِي، تو میں دیکھ رہا تھا، میں جدھر چلتا تھا فرشتے مجھے اپنے جلوں میں لیے ہوتے. تو یہ فرمایا تھا نا کہ فرشتے اس کی راہ میں پر بچاتے ہیں. تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں جب مدرسے گیا، فَعَرَضَ الْمَلَائِكَةَ تَمْشِي حَوْلِي، میں جس طرف دیکھتا تھا نورانی فرشتے میرے ساتھ. فائدہ
जब मैं मदरसे में पहुंचा तो मैंने सुना फरिश्ते कहते थे कि सहूल है वली के था लोगों अल्लाह के वली के लिए जगह बनाओ ताकि ये जगह में बैठ सके। तो मालूम ये होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है वो भी सच्ची है और हजरत गौसे पाक का जो कश्त था ये भी सच्चा था। वो कहते हैं मैं फरिश्तों को देख रहा आप फरमाते हैं मैंने एक दफा एक तालिबिलम को देखा मेरे पास हमेशा रहता था मैं जिधर जाता हूँ मेरे पास होता था। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि आप हमेशा मेरे साथ क्यों हो। उसने कहा आना मलक मिन मलाइकतिल्लाह। उसने कहा मैं इंसान नहीं हूँ मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ। अल्लाह ने मुझे भेजा है फिर मतलब मेरी ड्यूटी यह है कि जब तक आप मदरसे में होंगे मैं आपके साथ बैठा रहूंगा। तो ये शर्त थी हज़रत गौसे आज़म की कि वो फरिश्ते उनके साथ चलते थे और उनकी वालिदा का खिदमत करते थे। पर आज भी जो तरबा मसाजिद और मदारिस में जाके अल्लाह का दीन पढ़ते और पढ़ाते हैं उनको यकीन करना चाहिए कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल सच्चा है। उनके चारों तरफ फरिश्ते ही होते हैं। गौसे आज़म की बात अलग थी वो पैदाइशी वली थे। वो पैदाइशी वली थे। पैदाइशी वली होना और बात है मगर जो कसम करे वो भी खाली नहीं रहता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में ये बात फरमाई अल्लाह फरमाता अल्लाह बाहर निकले तो देखा
कि उनके घर के ऊपर अवर छाया हुआ है, मगर उस अवर में सारे में चमक रहे। अब अवर जहां होता है वहां आसमान के सारे नजर नहीं आते, लेकिन अवर में जहां सारे भी थे। अब ये बड़े हैरान हुए, दूसरे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो सारा माजरा बयान किया। आप जरा रसूलुल्लाह का इल्म देखें, आपकी बसीरत देखें, जिसने सारे देखे वो नहीं समझ सका कि माजरा क्या है, जिसने सारे देखे नहीं उसने बता दिया। फरमाया दिल कर मरा रहेगा, फरमाया ये फरिश्ते थे ललक सोती का, तुम्हारी गिरत की आवाज सुन के ये नाजिल हुए थे। वलो अस्बहता वकराता लियंदुर नास इलैहा ला ततवारा मिन, फरमाया अगर तुम सुबह तक कुरान पढ़ते रहते तो ये फरिश्ते सुबह तक नाजिल होते, ये मदीने तैयबा की गलियों में लोगों को नजर आते। उस सहाबी का कश्फ था, सहाबी ने कश्फ के जरिए से सारे देख लिए। हर हाफिज कुरान को अपने छत के ऊपर अबर देखने की तमन्ना तो करनी चाहिए, पर अबर नजर ना आए, सारे नजर ना आए तो वो इसमें शुभ ना करे कि फरिश्ते नाजिल नहीं हो रहे, फरिश्ते सलसल के साथ नाजिल हो रहे हैं। लिहाजा जिन उलमा की दस्तार बंदी है वो बहुत ही काबिले फखर है, उनको अपने नसीब पर फखर करना चाहिए। अल्लाह ने हमें इस मनसब के लिए मुंतखब किया है और ये बहुत बड़ा मनसब है। जो शख्स दीन का नुमाइंदा बन जाए, हाफिज बन जाए, कारी बन जाए, वो दरअसल अल्लाह की जमात में चला जाता है, बशर्ते के मुहिब रसूल हो। अल्लाह ने फरमाया ना तजिदु कौमन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हाद अल्लाह व रसूलहू, फरमाया जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हो ऐसा कोई कोई जमीन पर खुदा रसूल का मुहिब नहीं होगा जो खुदा रसूल के दुश्मनों के साथ करता करेंगे। बोलो कानू आबा हूँ और अपना हूँ और इकबान हूँ अशीरत हूँ, खा उनके वालिद क्यों न हो, औलाद क्यों न हो, कुंबा कबीला क्यों न हो, पर मैं पुनः आएगा कदम अपनी कुलूब इबन ईमान, ये वो लोग हैं अल्लाह ने इनके दिल पर ईमान को नक्श कर दिया है। जमात है ये ये मोहिबिन रसूल और इनके मुआविन ये सारे कौन है, अल्लाह की जमात है। अल्लाह की जमात ही मिलाकर कामयाब करने वाली, लिहाजा जितने मिलत के उलमा हैं वो फाज हैं कुर्रा हैं, ये समझें कि हम अल्लाह की जमात में अल्लाह की फौज हैं। एक हमारी वो फौज है जो हमारी जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करती है, एक हमारी ये फौज है जो नजरियाती सरहदों की हिफाजत करती है। हमें फौज के आला अफसरान मिलते हैं, जो उसी मरी एक दफा मुझे मिले रामला कोट हमारे शहर में, मैंने कहा जनरल साहब आज जोग्राफी सरहदों की हिफाजत आप करते हैं, नजरियाती सरहदों की हिफाजत हम करते हैं। आप नजरियाती सरहदों की हिफाजत आप नहीं कर सकते, नजरियाती सरहदों की हिफाजत हम करते हैं। और जोग्राफी सरहदों की हिफाजत करने के लिए भी अगर कभी हमारा खून दरकार हो तो ये पाकिस्तान रसूलुल्लाह के आशिकों ने बनाया था और उनका खून हमेशा इसके लिए हाजिर है। तो हमने उनसे कहा कि हम इसके लिए भी हाजिर हैं और रसूलुल्लाह की नामूस की हिफाजत भी ये मुहिबिन रसूल के नसीब है। इस बात पर आपको फख्र करना चाहिए, आप ऐसी जमात हैं कि अल्लाह अपने हबीब की नामूस की हिफाजत आपसे ही कराता है और नामूस की हिफाजत में खुदा सिर्फ मोहब्बत वालों का खून खून करता है, किसी का कौन नहीं।
इस पर जरा आप गौर करें, इस पाकिस्तान की सरजमीन में कितना खून पाया गया, मस्जिद में दबा के, मदारिस में दबा के, स्कूलों में दबा के, मार्केटों में दबा के, कहां कहां धमाके नहीं हुए, कहां खून की होली नहीं करी गई, पर अल्लाह के रसूल के नाम उसकी खातर अगर खून बहा तो किसका बहा? अल्लाह के नाम उसकी खातर अगर खून बहाया गया तो किसका बहाया गया? किसने खून पेश किया? वो मुमताज कादरी, कादरी ही थे आप में से। ये कादरियों, नक्शबंदियों, सौरवर्दियों, शादरियों, ये औलिया के मुहिबीन के देता है, मुशाकरण मुस्तफा के देता है, बाकी किसी की कुर्बानी नहीं देता, किसी की कुर्बानी। हम पूरी तारीख उठा के देखें, बर सगीर की नहीं, पूरी दुनिया की तारीख उठा के देखें, रसूलुल्लाह की नामोस पे कुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुहिबीन की ली है, बाकी की कुर्बानी नहीं की। आपके बड़े नसीब है, अल्लाह ये कुर्बानियां मंजूर और मकबूल फरमाए। लिहाजा ये परमा जो है ये नजरिया के सरहदों के माफिल है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि आलीम, कुछ लोग अल्लाह के कबीले से है, अल्लाह की जमात है, अल्लाह का खानदान है, अल्लाह का कुंबा है या अल्लाह का कबीले है। قال من هو يا رسول الله, अब ये या रसूल अल्लाह का कबीला कौन सा है? फरमाया हम अहले कुरान, ये कुरान वाले अल्लाह का कबीला है, ये अल्लाह की जमात है, ये अल्लाह के चौकीदार है, ये अल्लाह की फौज है। लिहाजा जब कोई शख्स इस सिलसिले में जमा हो जाए, इससे वाबस्ता हो जाए, एक बच्चा जब हाफिज कुरान बन जाता है, उसको अल्लाह की फौज में कमीशन मिल जाता है, उसको अल्लाह की फौज में कमीशन मिलता है। अब आपके बच्चे अगर जो आर्मी में जाते हैं, शॉर्ट सर्विस मिशन में, कहते हैं जो सेकंड लेफ्टिनेंट भी भर्ती होता है ना, जब उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल होती है, उसकी पासिंग आउट परेड होती है। पासिंग आउट परेड आपने देखी क्या होता है? कुछ काकुल एकेडमी में वो अपना कोर्स मुकम्मल करता है, वहां वो ट्रेनिंग मुकम्मल करता है तो फिर जाके वो बातें बनती है। यहाँ हाफिज कुरान ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, उसकी ट्रेनिंग इसी दौरान हो रही है, उसकी ट्रेनिंग इसी दौरान हो रही है। और आपकी मस्जिद शरीफ में जो बात लिखी है कि यहाँ दीन की तालीम भी दी जाती है, तरबियत भी होती है, ये तरबियत बड़ी अहम चीज होती है। तरबियत बड़ी अहम चीज क्या है, क्यों है? एक है इल्म, दूसरा है अमल। अगर इल्म के साथ अमल न हो, और हमारे मदारिस की खूबी ये रही है, अहले सुन्नत के मदारिस की खूबी ये रही है, अहले सुन्नत का हर एक मदरसा हमेशा खानका भी रहा, अहले सुन्नत का हर मदरसा हमेशा खानका रहा है। वो खानका क्यों रहा है कि इधर मदरसे में काल अल्लाह काल रसूल थ्योरी पढ़ाई जाती है, उधर मराकबात में, जिक्र अज़कार में, तस्बीह और तहलील में, तक्वे में, शब और रोज गुजारने में, अल्लाह के सामने सर्वस्व होने का प्रैक्टिकल भी साथ हो रहा होता है। लिहाजा हर वो खानका जिसमें मदरसा नहीं है, उसमें गोया थ्योरी पढ़ाई, थ्योरी के बगैर लोग प्रैक्टिकल करा रहे, ऐसा भी नहीं होता। पहले पढ़ाया जाता है, फिर प्रैक्टिकल कराया जाता है। जिस मदरसे में खानका नहीं है, वो समझे काम उनका भी अधूरा है, और जिस खानका के साथ मदरसा नहीं है, काम उनका भी अधूरा है। कामिल काम कौन सा है? अल्लाह गौसे पाक हमारे लिए नमूना है। अल्लाह गौसे पाक ने क्या किया? फरमाया तलब तो इल्मा हत्ता सिर्फ खुतबा, फरमाया मैंने 40 साल मुसलसल कुरान और सुन्नत का इल्म भी हासिल किया और ज़ोर और तक्वा भी इख्तियार किया, कामिलीन के सोबत में रह करके गोया वो अमली तौर पर भी मशक कर रहे थे। 40 साल के अरसे में जब कुरान और सुन्नत का तमाम नूर हज़रत गौसे पाक के कलबे अतर में मुंतकिल हो गया, मुजाहिदात और रियाजत के जरिए से तज़किया-ए-नफ्स का आला मकाम हासिल हो गया, तो फिर उसके बाद आपने अब
سچ ہو گیا۔ 40 سال کی محنت شاپا کے بعد، 40 سال کی مسلسل محنت کے بعد، قرآن و سنت کے علم کے ساتھ ساتھ تربیت، یہ تربیت بڑی اہم چیز ہے، اس لیے اہل ایمان اپنے بچوں کی تربیت پر بڑی توجہ دے۔ جو بچے حافظ بنتے ہیں، ہم ان بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ بچوں دیکھو، اب آپ اللہ کا قرآن حفظ کر رہے ہیں، جس زبان سے آپ اللہ کا قرآن بار بار پڑھتے ہیں، اس زبان کو جھوٹ سے آلودہ نہیں ہونے دینا، اس زبان کو جھوٹ سے آلودہ نہیں ہونے دینا۔ آپ کی زبان سے اگر اہل زمان نے جھوٹ سنا تو لوگ کہیں گے حافظ بھی ہے اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، تو اس سے تمہاری نسبت بدنام ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے صحابہ سے کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، صحابہ یاد رکھنا، ایک تمہارا جاہلیت کا دور تھا، کفر کا دور تھا، اب تم اسلام میں داخل ہو گئے ہو، اسلام میں داخل ہونے کے بعد کسی نے تمہیں فاسق کہہ دیا تو یہ بہت برا الزام ہے، یہ تمہارے دین پر الزام آئے گا، تمہارے رسول پر الزام آئے گا، تمہاری کتاب پر، تمہارے خدا پر الزام آئے گا۔ لہذا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد کہ تمہیں یہ تانا نہ دے کہ تم اللہ کے رسول کے صحابی بھی ہو، ایمان بھی لاتے ہو، تمہارا کردار بھی اچھا نہیں ہے۔ آپ اپنے وفاق طلبا کو ہم گزارش کرتے ہیں، اب تمہاری زبان سے جھوٹ نہیں ادا ہوتا، اور اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو تمہارے گھر والے دین سے بیزار ہو جائیں گے، وہ کہیں گے یہ بچہ مدرسے میں بھی جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، پر نماز کا پابند نہیں، یہ نماز میں نہیں چھوڑتا، تمہارا اخلاق اور کردار۔ اب یہ معاشرے میں بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ حفاظ سے، علماء سے، قرآن سے توقع زیادہ رکھتا ہے۔ ایک بچہ جس کو آپ نے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرایا ہے، ہزاروں روپئے فیس بھی دی ہے، ہزاروں روپئے منتھلی فیس بھی دے رہے ہیں، آپ نے اس بچے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ اس کے فیس اتنی بڑی ہے، داخلہ فیس اتنی بڑی ہے، اس کا ماہانہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے۔ وہ اگر جھوٹ بولے تو آپ کو برا نہیں لگتا، مگر وہ بچہ جس کو آپ نے مدرسے میں چھوڑا، نہ یہاں داخلہ فیس ہے، نہ یہاں ٹیوشن فیس ہے، نہ اس کے لیے لنچ باکس تیار ہوتا ہے، نہ ہم خرچہ کرتے ہیں، مگر آپ کو مبارک ہو، آپ زیادہ توقع اسی بچے سے رکھتے ہیں، توقع اسی سے رکھتے ہیں، وہ جس میں ہزاروں خرچ کر رہے ہیں اس سے کوئی توقع نہیں ہے، اس سے توقع ہے، یہ دین کی عظمت ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں یہ بچہ مسجد میں جا رہا ہے، میں کچھ خرچ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ پاکیزہ ماحول میں جا رہا ہے، اس کی زبان سے ہمیشہ سچ نکلے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ آ گئے ہیں تو ہم اپنا کردار ایسا پیش کریں کہ ایک بچہ آیا، یہ بچہ محلے میں جائے، محلے میں جتنے باقی بچے ہیں وہ اس کو دیکھیں تو باقی والدین کی خواہش پیدا ہو کہ ہمارا بچہ بھی اس کرے۔ اور اہل ایمان، ایسا مومن باعمل شخص، وہ بچہ ہے یا بوڑھا ہے یا جوان ہے، اس کے ہر عمل سے دین پھیلتا ہے، اس کے ہر عمل سے دین پھیلتا ہے۔ میں نے مغرب ممالک میں دیکھا، ہمارے مسلمان بچوں کی وجہ سے بہت سارے سکول میں بچے مسلمان ہو گئے، انگریزوں کے بچے مسلمان ہو گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ سکول میں جاتے، سکول میں بریک ہوتی تو باقی جو بچے تھے وہ سارے بچے تفریح کے دوران کوئی گیم کرتا، کوئی کچھ کرتا، خوش ہوتا۔ وہ تفریح میں لگے رہتے، کوئی ناچ گانے میں، کوئی ڈانس میں لگے رہتے۔ مسلمان بچے اس وقت وضو کر کے فوراً نماز پڑھتے، وہ انگریز بچے دیکھتے، وہ پوچھتے کہ کیا تمہیں کھیلنے کو جی نہیں کرتا؟ وہ کہتے کھیلنے کو جی تو کرتا ہے، تو کھیلتے کیوں نہیں، یہ ڈانس کیوں نہیں کرتے ہو، یہ فلاں جو ہمارے یہاں ایکٹیویٹی ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں اور جو تمہیں کھیل کر کے سکون حاصل ہوتا ہے اس سے زیادہ ہمیں وضو کر کے نماز پڑھنے میں سکون ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا
से दिलों को इत्मीनान होता है। वो कहते हैं हमें उसी की में सुकून नहीं मिलता, हमें हर तरह की आजादी है, हमें हर तरह की सहूलत है, मगर हमें सुकून नहीं। वो कहते हैं अच्छा आप अगर हमारी तरह से नमाज पढ़ के देखो तो आपको पता चले बेशुमार अंग्रेज बच्चे हमारे बच्चों के अमल से मुसलमान हो गए। और मैंने पिछले अरसे में एक अंग्रेज का वाकया पढ़ा, अंग्रेज एक कर्नल था अटक के किले में, वहां पर ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, वहां पर उस जमाने में सिख मुसलमान सारे ग्रुप में होते थे। उसने देखा कि वहां एक फौजी को पिट्टू की सजा दी गई है, उसके कुछ पिट्टू लादा हुआ है, उसको भगा रहा है, एक सिख सूबेदार है जो उसको भगा रहा है। इतने में उसने देखा तो काफी देर तक उसको भगाया, फिर थोड़ी देर तक उसको रेस्ट दी। जो ही उसको रेस्ट दी तो उसने आराम करने के बजाय फौरन वुजू किया, वुजू करने के बाद फौरन नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ी तो वो अंग्रेज कर्नल देख रहा था, वो दूसरी यूनिट का था, उसने दूसरे कर्नल से कहा कि इस फलां आदमी को बुलाओ। उसको जब बुलाया गया उससे पूछा गया ये तुमने क्या किया, उसने कहा आज मैं थोड़ा देर से आया, फलां वजह थी, तो ये चूंकि सिख सूबेदार है इसने मुझे सजा दे दी। उसने कहा सजा तो मैं देख रहा था बहुत देर से, तो मैं धूप में ये इस तरह से पिट्ठू परेड तुम्हारी हो रही थी, पर तुम्हें जो आराम का मौका मिला तुमने ये किया, क्या किया? उसने कहा मेरी जोर की नमाज का वक्त जा रहा था तो मैंने चाह के मैं पहले नमाज पढ़ी, मैंने नमाज पढ़ी। उसने कहा आराम क्यों नहीं किया? उसने कहा मुझे नमाज में ही आराम नहीं। तो वो अंग्रेज जो कर्नल था उसको बड़ा तजस्सुस हुआ, उसने दीन पढ़ना शुरू किया, फिर उसके बाद वो मुसलमान हो एक फौजी के कामों की वजह से। इसलिए हमारी दरख्वास्त यह है जो दीन के तलबा है वो ऐसा अच्छा किरदार पेश करें कि अगर माँ बाप ने एक बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया तो वो चाहे कि दूसरा भी बने। ये बच्चा जब तक हाफिज़े कुरान नहीं बन रहा था ये हमारे लिए भी कोई मोहब्बत प्यार के जज्बात नहीं रखता था, जब से हाफिज़े कुरान पढ़ना शुरू हुआ है ये अदब भी करता है, एहतराम भी करता है, खिदमत भी करता है, मोहल्ले में पड़ोस में इसके हालात भी अच्छे हो गए हैं, तो लिहाजा आने वाला बच्चा वो नुमाइंदा बन जाए तो उसको देख करके हर घर का एक बच्चा आया तो कई बच्चे आ जाए, मोहल्ले के बच्चे आ जाए। पर जो भी बच्चे यहाँ आए हैं ये हमारा सरमाया है। और तो बहुत से बात ने बताया था कि मेरा दो चीजों में बहुत दिल करता है, एक उसने खुद, दूसरा लोगों को खाना खिलाना। कहते हुस्ने खुल्क और लोगों का खाना खिलाना ये मुझे बहुत पसंद है। और सुना फरमाया इन्ना नजला ले युद्रिकु के हुस्ने खुल्क की तरनता कायम लैल व साइम नहार। फरमाया एक शख्स जो खंदा पेशन है किसी से मिले, जिसको कहते हैं ना स्माइलिंग फेस से मिलना, ये आजकल मगरब में पड़ा है। उनका कोई भी आदमी हो आपको जानता है या नहीं जानता, आप उससे मिलेंगे स्माइलिंग जैसे मुस्कुरा के मिलेगा, उनकी तरबियत ऐसी है। काश कि उनको ये मालूम होता कि जो चीजें तुमने आज सीखी, सहाबा कहते हैं मा राए तो अहदन अक्सर तबस्सुमन में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कहते हैं रसूल से ज्यादा हमने किसी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। ये मुस्कुराने का कल्चर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को अता फरमाया। तो लिहाजा ये फरमाया ये कोई आदमी किसी अच्छे अखलाक से पेश आए, आपकी किसी की को मदद की जरूरत है उसकी मदद कर ली जाए, आपकी किसी तरह से किसी को कोई पढ़ाई की जरूरत है आप कर दें। सुन फरमाया एक आदमी दूसरों के साथ उसके अखलाक अच्छे हैं, दूसरों के साथ हमदर्दी से पेश आता है। एक आदमी जो रात भर नफली इबादत करता है, दिन को नफली रोजा रखता है, ये अच्छे अखलाक की वजह से उसका मकाम और मर्तबा पा लेता है। तो अच्छे अखलाक से माशरे में मोहब्बतें बहती हैं, उल्फतें बहती है, और इससे अच्छा पैगाम माशरे में जाता है। तो दूसरा फरमाया लोगों को खाना खिलाना, ये भी बड़ी खूबी की बात है, इसका भी एहतमाम करना चाहिए। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को खाना खिलाने, लंगर चलाने की
ये सुन्नत भी सूफिया ने लिया थी। आप देखें बाकी कहां लेकर चलता है, चंदे सब लोग ही लेते हैं, पैसे सब लोगों के पास है, पर के बाद लोगों के पास पूरे ममालिक के बाकायदा फंड आते हैं, एजेंसियां पैसे देती है और मुल्क के बजट उनके पीछे हैं, लेकिन लंगर हमेशा सूफिया का ही चलता है। लंगर हमेशा सूफिया का चलता है। ये सूफी का लंगर है जहां किसी का दीन धर्म नहीं पूछा जाता, वो खा हजरत दाता गंजवा शेख अली हजवेरी का लंगर हो या हजरत ख्वाजा करीम नवाज का लंगर हो या गौसे पाक का लंगर हो, इन लंगरों पर किसी का दीन धर्म अकीदा मसलक मजहब जमात नहीं पूछी जाती, जो आता है उसको लंगर पेश किया जाता है। ये भी गौसे पाक का ये लंगर जारी है और मैं मेरा दिल करता है कि मैं लोगों को खाना खिलाता रहूं, लोगों की खिदमत करता रहूं, ये भी तो सबब है। इसलिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया उसमें मकसद सिर्फ ये नहीं था कि लोगों को खुद परस्ती से हटा के खुदा परस्ती में लाया जाए, उसमें लोगों की अखलाक की तरबियत ही मकसूद थी, लोगों की अखलाक की तरबियत मकसूद थी। इसलिए सूरह तहर में फरमाया कि मोमिन क्या कहते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा। ये रसूल के सहाबी जब लोगों को खिलाते हैं तो क्या कहते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम खालसतन रब के लिए खिला रहे हैं, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा, हम तुमसे कोई बदला और शुक्राना नहीं मांगते। ऐसी भी जमातें हैं जो लोगों की मदद करते हैं मगर साथ अपनी जमात का मेंबरशिप का फॉर्म भी भराती हैं, सेल ज्यादा लेंगे। तिजारत का उसूल यह है कि आदमी पैसा खर्च करके उसमें कुछ लोगों को अपना मुनाफा रखता है, लिल्लाहियत और अल्लाह के रसूल के बाजार की तिजारत का उसूल यह है, आदमी खर्च करते हुए भी नहीं देखता कि किस पर खर्च कर रहा हूँ। जो ऐसा करते हैं अल्लाह हशर की उस गर्मी में, हशर के उस माहौल में क्या करेगा, हशर के दिन भी खुदा उनको हशर की गर्मी से महफूज रखेगा, नजरतों में सुरूरा उनके चेहरे।